नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जिले के खागा नगर से होकर जाने वाली रोडवेज बसों के चलते जाम लगता था, लेकिन नगर पंचायत और अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खागा नगर के जीटी रोड मानुकापुरवा में एक रोडवेज बस स्टैंड बनवाया और उसमें 7 दुकानों सहित रोडवेज कार्यालय भी बनाकर चालू हुआ। और बीच में परिचालकों के चलते वहीं पुरानी जगह रोड के ऊपर बसें खड़ी करते थे, जिससे जाम की स्थिति उसी तरह बनी रहती थी। लेकिन खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी रिक्शा चालकों को बुलाकर समझाया और रोडवेज बस अंदर आने से वर्जित कर दिया, तब से जाम की समस्या खत्म हो गई। लेकिन अब रोडवेज बस स्टैंड पर नाबालिग 7-8 वर्ष के बच्चों से चाय समोसा पानी बेचवाया जाता है, जो चलती बसों में दौड़कर चढ़ जाते हैं। किसी दिन बड़ी घटनाएं हो सकती है। ये लड़के बताते हैं कि 50 और 100 रुपए में दिन भर दौड़ते हैं, किसी सवारी को धक्का लग जाता है तो कभी खुद गिर जाते हैं, और ई रिक्शा नियमों की तो धज्जियां उड़ाते हुए बसों के आगे और बस स्टैंड के अंदर घेर लेते हैं। इस पर भी अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। आइए सुने क्या कहा अंदर के दुकानदारों ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। जो नया रोडवेज बस स्टॉप है, यहाँ की क्या स्थिति है और कैसा चल रहा है? स्थिति तो बढ़िया है यहाँ की। जी जी, सभी बसें अंदर आती हैं, सवारियाँ आती हैं सभी। जी जी, अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है यहाँ पे रिक्शे बहुत खड़े होते हैं। हाँ हाँ, और छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के सामान बेचते हैं, कभी गिर भी सकते हैं, चोट भी खा सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टरों को माते दिया जाएगा, छोटा बस स्टॉप है। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव ये देना चाहते हैं कि ये बच्चों को बचवाना बंद करवाया जाए। ये कितने छोटे बच्चे? ये वही 7-8-10 साल, 11 साल 12 साल के बच्चे हैं। क्या नाम भाई साहब? शुभम सिंह नाम है मेरा। क्या करते हैं? यहाँ बस नए बस स्टॉप में दुकान खोले हुए। अच्छा अच्छा, अब बस स्टॉप अब कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? बसें रुकती हैं? बसें सब आती हैं, वन में हो गया जब से तब से खूब बसें आती हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि यहाँ रिक्शा जो है आ जाते हैं, यहाँ बस स्टॉप में खड़े कर देते हैं रिक्शा। अच्छा अच्छा, बस से कई बार टक्कर भी हुआ, रिक्शा एक दो बार पलट भी गया है बस स्टॉप के अंदर। और यहाँ ये भी दिक्कत है कि छोटे छोटे लड़के हैं, उनको पानी वानी बेचाया जा रहा है, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा सब बेचाया जा रहा है। चलती बस में चढ़ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, इसमें गिर जाए दुर्घटना घट सकती है, इसमें टायर के नीचे दबकर कुछ भी हो सकता है, इसको हटाया जाए। ये छोटे बच्चे, ये बच्चे कहाँ के हैं? ये है बैरागी कपूरवा के बच्चे, 50-50 रुपए में काम करते हैं कि बच्चे दौड़ दौड़ कर चढ़ते हैं बस स्टॉप में, इनको घटना घट सकती है काफ़ी ज़्यादा। क्या रोड में भी बसें खड़ी होती हैं क्या? रोड में बस नहीं खड़ी होती, सब अंदर आती हैं। सब अंदर।